शायद आपको मालूम होगा कि सरहद वालों की वजह से ही हमारे बहुत से तलबा जो हैं आला तालीम हासिल किया है, जो बहुत अच्छे ओहदों में इस वक्त मुनसिफ हैं। मैं सरहद के अफसरान बारा से ये रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर संजय नाहर साहब और डॉक्टर सलेह साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कारगिल के सीसी साहब कारगिल में ये मैराथन करने नहीं देते हैं, खुशकिस्मती का मुकाम है कि इस वक्त द्रास को एक अलग डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, हम एज ए बीजेपी चीफ पैटर्न और द्रास के पूरे आवाम की तरफ से उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ ये मैराथन करें। और बेसिकली आपको पता है यहाँ टाइगर हिल हमारा है, जो कि दुनिया में मशहूर है, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, जिसके साथ पूरे हिंदुस्तान के जज्बात हैं। हमने पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ के अरबाब इख्तियार से ये टेक अप किया है कि भाई आप टाइगर हिल के बेस तक हमारे टूरिस्ट को अलाउ करो। अगर टाइगर हिल के बेस तक ये सरहद की मैराथन हो जाएगी तो द्रास के टूरिज्म को चार चांद लगेंगे। मेरी फिर एक दफा हाथ जोड़कर सरहद के आवाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट है कि वो अगर कारगिल वाले मैराथन करने के मूड में नहीं है, ये मैराथन वो यहाँ करें। इसके अलावा मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कल हमारे ऑनरेबल सीसी ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें कारगिल हाउस जम्मू और कारगिल हाउस श्रीनगर को वैकेट किया गया, खाली कराया गया, क्योंकि वहाँ बहुत से पेशेंट्स थे, वहाँ बहुत से इस वक्त कारोबारी थे। आपको पता है हमारे इस पर लोग जो हैं खासकर इन महीनों में विंटर का स्टॉकिंग करने के लिए या अपनी मेडिकल चेकअप करने के लिए वहाँ जाते हैं, जिसके लिए बाज़ाब्ता सीसी कारगिल ने एक ऑर्डर निकाला है कि भाई हमने प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली जाना है तो हमारे कौंसलर और हमारे जो साथी हैं उनके लिए वहाँ जगह निकालो। बदकिस्मती का ये मुकाम है, हमारा एक एक कौंसलर जो है तकरीबन 1.5-1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेता है, क्या वो अपने जेब से रुपये 10,000 खर्चा नहीं कर सकता है? अगर वो सही मायने में इस इलाके की तर्जमानी के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने अपने जेब से भी थोड़ा खर्चा करना चाहिए। तो इसका मैं अपने गवर्नर इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ए क्लास होटल की जो रेट्स हैं वो लगा के इन कौंसलों के पे से काटा जाना चाहिए। और आइंदा के लिए सीसी कारगिल को इस किस्म के ऑर्डर्स निकालने के लिए इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि वो इस किस्म के ऑर्डर्स नहीं निकाले जिसमें आम नास को नुकसान हो। इसके अलावा शायद आपको मालूम होगा, रिसेंटली हमारी एक कमेटी बन गई है गवर्नमेंट की तरफ से, द्रास या दूसरे जो पांच हमारे डिस्ट्रिक्ट थे उनकी हमने लैंड जो है डिमार्केशन करनी है कि कौन सा कहां तक रहेगा। तो जिसके लिए हमने यहां के पूरे आवाम को कल 11 बजे बुलाया है ताकि हम आपस में सब मिल बैठ कर ये डिसाइड करें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट अगर होगा तो होगा क्या, होने वाला ही है, हो गया है, तो उसका एरिया कहां से कहां तक होगा और इसके ऑफिसेस हम कहां रखेंगे, किस किस्म की यहां की ये होगी, इसके बारे में हम जो है बाज़ाब्ता आपस में बैठकर मिलजुल कर बात करेंगे। ये भी कहना गलत नहीं होगा, हमारे जो कौंसलर साहिबान हैं उनको इस बात की कभी परवाह नहीं है। पिछले विंटर में आपको खुद पता है हमारी मस्जिद जो है नजरे आतश हो गई और उस वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको ये वादा किया था कि हम आपके यहाँ फायर ब्रिगेड के एक स्टेशन खोलेंगे, जो कि आज तक नहीं खोला गया। ये सुतेली माँ का सलूक द्रास वालों के साथ है, ये क्यों है खुदा बेहतर जानता है। आपको खुद पता है कि हमारे यहाँ दो कौंसलर दिए गए हैं जो कि
6,500 की पॉपुलेशन पे एक काउंसलर है, बाकी जगहों में कुछ जगहों में 1300 पर दिया गया है, कुछ जगहों में 2000 पर दिया गया है, जिसके लिए हमारे शांकू के भाई हमेशा बहुत ही बड़े गर्व से ये कहते हैं कि हम काउंसलर ना उठे, डिस्ट्रिक्ट हमें होना चाहिए था। हम इसके खिलाफ नहीं है, हम कहते हैं शांकू क्या पानीखर में भी एक डिस्ट्रिक्ट दे दो, दूसरी जगहों में भी दे दो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं, आप 1300 पर एक काउंसलर बना के आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि भाई हम जो है नौ काउंसलर हैं। हमारे जो काउंसलर है वो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो गई है, जिसमें जो काउंसल का फंड से जो 1.5 करोड़ रुपये प्लस और ये है वो हमने हिसाब किया है, द्रास वालों को बड़ी मुश्किल से 600 रुपये पर ईयर पर सोल मिल रहा है, वायरलेस बाकी जगहों में 3,000 से 4,000 तक पर सोल मिल रहा है। हमें अपनी जगह बड़ा खतरा है, अपनी जगह बहुत डर है कि भाई एक जमाने में हमारी यहाँ की